बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद समरीन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मटन शोरबा की रेसिपी। इसको बनाना नहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलें देखते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटन शोरबा बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg मटन। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 tablespoon सुर्ख मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धनिया पाउडर 1 tablespoon, हल्दी 1/2 tablespoon, साबुत गर्म मसाला 1 tablespoon, काली मिर्च पाउडर 1/2 tablespoon, टमाटर 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, 2 कप पानी, अब हम इसे 20 मिनट तक कुक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारा मटन गल चुका है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 tablespoon, अब हम इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। एक मिनट हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे दही 1/2 cup, अब इसमें ऐड करेंगे भलाई 2 tablespoon, आप चाहे तो आप भलाई को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट। चार से पाँच मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 tablespoon, मैंने आपको मटन शोरबा बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। इस तरीके से मटन शोरबा बहुत ही टेस्टी बनता है और माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 सब्ज़ मिर्च, 1 tablespoon पिसा हुआ गर्म मसाला, 2 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मटन शोरबा। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं मटन शोरबा कितना मज़े का रेडी हुआ है, और मुझे ज़रूर बताएं कौन कौन इस रेसिपी को ट्राई करने वाला है। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी मज़े की रेसिपीज बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।